बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने बायो के लेक्चर नंबर 10 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आई डिसऑर्डर। हमने लेक्चर नंबर 9 में आई का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि आई के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। आई डिसऑर्डर मेनली काज करने की जो वजह है वो है हमारे आई बॉल की जो शेप है उसमें चेंजेस, आई बॉल शेप चेंजेस। जैसे ही हमारी आई बॉल की शेप चेंज होगी तो ह्यूमन बॉडी के जो आई में दो डिसऑर्डर जो हैं वो काज करेंगे। फर्स्ट वन को हम कहेंगे मायोपिया एंड सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया को हम शॉर्ट साइट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसको करीब की चीज़ें जो हैं वो क्लियरली नज़र आती हैं। अब इसमें होता क्या है मायोपिया में, जो हमारी आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाती है। आई बॉल की इलोंगेशन की वजह से क्या होता है, पर्सन जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकता। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नजर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो इमेज बन रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का वो कहां बन रहा है, रेटिना के फ्रंट पर। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन होगा जिसको मायोपिया का डिसऑर्डर होगा उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आएंगे और उसका जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, रेटिना के बिल्कुल सामने बनेगा। अब इस डिसऑर्डर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग कंकेव लेंस। मतलब कि अगर हमने इस डिसऑर्डर को ठीक करना हो तो हम क्या करेंगे, कंकेव लेंस को यूज करेंगे। अब सेकंड जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है हाइपर मेट्रोपिया, इसको हम कहते हैं लॉन्ग साइड। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसको दूर की चीजें क्लियरली नजर आएंगी पर नजदीक की चीजें जो है वो नजर नहीं आएंगी। अब इसमें क्या होता है, जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाता है। मायोपिया में हमारे पास जो आई बॉल था वो इलोंगेट हो रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, आई बॉल शॉर्ट होने की वजह से जो पर्सन है वो नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स उसके करीब होंगे उसको वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकेगा। अब जब इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। कि जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो रेटिना के पीछे होगी। अब इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको हम यूज करेंगे बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। अब मैं एक दफा रिपीट करूंगी, जो मायोपिया है इसको हम शॉर्ट साइट कहते हैं, इसमें जो आई बॉल है उसकी इलोंगेशन होती है, जो पर्सन है उसको दूर की चीजें क्लियरली नजर नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दूर की चीजें होती हैं उनका जो इमेज है वो रेटिना के बिल्कुल सामने बनता है, और इसको हम रेक्टिफाई करेंगे बाय यूजिंग कनकेव लेंस। और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें हम क्या करते हैं कि आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो चीज़ें नज़दीक होंगी वो प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आएंगी, और जो करीब की चीज़ें होती हैं उनका जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, और इसको हम यूज़ सही कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब हमने देखना है कि मुस्लिम साइंटिस्ट की
क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं जितने भी हमने रिसर्चेस की हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा अली इब्ने ईसा। अली इब्ने ईसा, इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ आपकी बुक पे मेंशन है। 950 में ये पैदा हुए थे और 1012 इनकी डेट ऑफ डेथ है। ये अर्ब के साइंटिस्ट हैं। अब इन्होंने 3 जो है बुक्स लिखी थी, किसके ऊपर? ऑप्थल्मोलॉजी के ऊपर। ऑप्थल्मोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं जितने भी डिसऑर्डर हैं या सर्जरी का जो मेथड होता है, किसका? आई का, मतलब कि आई से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं और उसके सर्जरी के मेथड जो हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। अब इब्ने अली इब्ने ईसा ने 3 किताबें लिखी थी ऑप्थल्मोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने 130 जो हैं डिजीजेस डिस्क्राइब की थी और इन्हीं डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए 143 जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। अली इब्ने ईसा की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो क्या कहते हैं कि इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी ऑप्थल्मोलॉजी पर। ऑप्थल्मोलॉजी जो है ये स्टडी होती है आई से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं और उसके सर्जरी के मेथड है। इसके अलावा इन्होंने 130 आई डिजीजेस को डिस्क्राइब किया था और इनकी ट्रीटमेंट के लिए 143 मेडिसन या जो ड्रग्स हैं वो प्रिस्क्राइब की थी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आ रहा है वो आ रहा है इब्ने अल हैशम। इब्ने अल हैशम जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 965 है और डेट ऑफ डेथ जो है वो 1039 है। इन्होंने भी, ये भी अर्ब के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो हमें मेथड दिए हैं ये अर्ब के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हमें जो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इन्होंने हमें प्रिंसिपल बताया थे। प्रिंसिपल ऑफ आई विजन कि किस तरीके से जो है वो आंख जो है वो काम करती है। इसके अलावा जो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स जो इन्होंने अपनी बुक लिखी है इसमें जो भी इन्होंने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ आई विजन के, वो मॉडर्न जो मेथड थ्योरी है किसकी, विजन की, उसको वो फॉलो करते हैं। इब्ने अल हैशम ने जो अपनी बुक ऑप्टिक्स लिखी थी उसमें जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, विजन का, वो क्या करती हैं, जो हमारे पास अब मॉडर्न थ्योरी है विजन की उसके अकॉर्डिंग उसको वो फॉलो करती है। इसके अलावा इन्होंने जो अपनी बुक के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया है उसमें आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई, इमेज फॉर्मेशन, विजुअल सिस्टम, ये इन्होंने अपनी जो बुक थी ऑप्टिक्स उनके अंदर इन्होंने इस चीज को डिस्कस किया था। इसके अलावा इन्होंने, इब्ने हैशम ने हमें प्रिंसिपल दिया था पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईयर। हमें पता है कि ईयर का मेन फंक्शन होता है हेयरिंग। हेयरिंग के अलावा जो है ईयर हमारे बॉडी को बैलेंस भी करता है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ईयर के कितने पार्ट्स हैं। ईयर के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अब हर एक जो पार्ट है इसको अगर फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एक्सटर्नल ईयर में जो हमारे पार्ट्स आएंगे वो है पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम टिम्पैनम भी कहते हैं। इसके अलावा मिडल ईयर में जो पार्ट्स आ रहे हैं वो है मैलस, इंकस, स्टेप, ओवल विंडो, एनेस्थेसियन ट्यूब। अब लास्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है इनर ईयर। इनर ईयर में हमारे पास जो पार्ट्स आ रहे हैं वो हैं वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया।
अब हर एक जो पार्ट है इसका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ईयर को। एक्सटर्नल ईयर में मेरे पास आ रहे हैं पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पिन्ना क्या है? पिन्ना जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है ईयर का, और ये कार्टिलेज बोन से मिलकर बना होता है, और ये इसको हमारी स्किन ने कवर किया होता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि जितनी भी हमारी आवाज हम बोल रहे होते हैं इसे क्या करना होता है, आवाज को अंदर की तरफ डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, मतलब कि ये सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये एक रास्ता है जो क्या करता है, आवाज को प्रोवाइड करता है कि हमारे कान से आवाज अंदर को एंटर हो। तो मेन काम जो पिन्ना का है वो ये है कि इसने साउंड वेव्स को डायरेक्ट करना है किसकी तरफ, हमारे ऑडिटरी कैनाल की तरफ। अब ऑडिटरी कैनाल जो है ये वाला पार्ट जो बीच में आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो है ये ऑडिटरी कैनाल का है। अब ऑडिटरी कैनाल जो है एक स्पेशल ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करता है। अब वैक्स हमें पता है कि ऑडिटरी कैनाल में क्या है, वैक्स है, और साथ में क्या है, हेयर्स प्रेजेंट है। अब इन दोनों का मेन फंक्शन ये है कि जितने भी स्मॉल एनिमल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको क्या करना होता है, कान में अंदर एंटर होने से रोकना होता है। इसके अलावा इसका और एक मेन फंक्शन ये है कि टेम्परेचर को इसने मेंटेन करना होता है, और जो हमारे ऑडिटरी कैनाल की डैम्पनेस है उसको इसने कंट्रोल करना होता है। अब एक्सटर्नल ईयर का जो लास्ट पार्ट है वो है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहती है। इसका मेन फंक्शन ये है कि इसने एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करना है। ईयर ड्रम का मेन फंक्शन ये है कि इसने एक्सटर्नल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करना है, और वो सेपरेट किसके जरिए करेगा, मेम्ब्रेन के जरिए करेगा, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहेंगे। अब ये हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मिडल ईयर। मिडल ईयर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा मैलस। मैलस जो है ये ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है मैलस। अच्छा एक और बात, मैलस, इंकस एंड स्टेप, इनको हम ऑसिकल्स भी कहते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। ये थ्री बोन्स होती हैं जिन्होंने अपने मिडल ईयर में अपने आप को एक चेन की फॉर्म में अटैच किया होता है, और ये मूवेबल बोन्स होती हैं। अब मैलस जो है वो क्या करता है, हमारे ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है। मैलस के बाद हमारे पास इंकस आता है, इंकस के बाद हमारे पास स्टेप आता है। स्टेप जो है यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन भी किया हुआ है कि ये हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। तो ये एमसीक्यू आता है कि स्मॉलेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी की वो कौन सी है, तो वो है स्टेप। स्टेप जो है ये अटैच होता है ओवल विंडो के साथ। अब ओवल विंडो जी वो वाला पार्ट है, जैसे ईयर ड्रम जो था वो क्या करता था, एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता था, इसी तरह जो हमारा ओवल विंडो है ये क्या करता है, मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करता है। अब इसके अलावा यहां पर आपको एक और ट्यूब नजर आ रही है, वो है एस्टेचियन ट्यूब। एस्टेचियन ट्यूब ये वो ट्यूब है जो क्या करती है, हमारे नेजल कैविटी को हमारे ईयर के साथ मतलब कनेक्ट करती है। ये हमारा हो गया मिडल ईयर। अब लास्ट हमारे पास आ रहा है इनर ईयर। इनर ईयर में हमारे पास है वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोकलिया। अब वेस्टिब्यूल जो है ना ये इनर ईयर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास केनाल्स होती हैं, थ्री केनाल्स, उनको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर केनाल्स। अब सेमी सर्कुलर केनाल्स के अलावा हमारे पास कोकलिया है। कोकलिया जो है इसमें क्या होता है कि ये डक्ट्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को राउंड रैप किया होता है क्वाइल ट्यूब में, जिसको हम क्या कहेंगे, कोकलिया कहेंगे। अब कोकलिया के अंदर हमारे पास सेंटर में साउंड रिसेप्टर सेल्स होते हैं। साउंड रिसेप्टर सेल्स का मेन फंक्शन ये होता है कि इन्होंने हमारे साउंड को डिटेक्ट करना है, और फर्दर क्या करना होता है, इन सेल्स को सेंसरी नर्व इंपल्सिस के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचाना होता है। तो बच्चे ये हमारे पास पार्ट्स है ईयर के, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, इन सबके आगे मेन मेन पार्ट्स था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है कि हेयरिंग का प्रोसेस क्या है और ईयर किस तरह मेंटेन करता है बॉडी को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जजाकिल्ला, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अल्लाह।